भाई साहब, इस समय हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं, मतलब 2024 के ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां इंसान को ना इंसान समझा नहीं जा रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। देखो, एक चीज समझ में आती है और ये प्रकृति का नियम भी है कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका जो सप्लाई होता है और वो जो चीज हमें मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली हिट होकर जाती है। बात तो सही है लेकिन बाबा, जब जिस चीज की डिमांड ही नहीं है और वो चीज जब आपको ऐसे दिखाया जाए तो फिर मुंह से वाहियात ही निकलता है भाई। लव, सेक्स और धोखा, इसका सीजन 2 का जब ट्रेलर आया था ना, मैं तभी समझ गया था। मेरे अंदर आत्मा जो थी ना, अंतर आत्मा जिसे कहते हैं, वो चीख चीख के कह रही थी कि भाई मत जा। लेकिन फिलहाल क्या करें, इस समय कुछ है भी नहीं, कंटेंट था भी नहीं, तो सोचा ठीक है एक बार के लिए भाई कुल्हाड़ी अपने पांव पर मार के देख ही लेते हैं, पत्थर पे सर मार के देख ही लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। क्योंकि ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग था कि भाई वहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा वाहिया चीज के अलावा, घटिया स्टोरी के अलावा। उनके पास भाई स्टोरी भी नहीं है। मूवी देख कर आए हैं, अभी रिव्यू करूंगा कि क्या आपको वहां मिल सकता है। भाई कुछ नहीं मिलेगा सिवाय चूतिया पे के, क्योंकि वही चीज हम देख कर आए हैं। तो अपना समय बचा लेना, वीडियो को देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अपना समय और पैसा तुम्हें खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले ही बता देना, बहुत अगर जल्दी में हो तो मत जाना देखने, क्योंकि मूवी में कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है। इनके पास स्टोरी भी नहीं है, 3-3 स्टोरी को उन्होंने दिखाया है भाई, रियल लाइफ सोच के बारे में दिखा रखा है, एक गेमर्स की लाइफ दिखा रखी है, मतलब कुछ भी भाई। लोग ना रियलिटी सोच से आगे जाके नफरत करने लग जाएंगे अगर उन्हें इस टाइप का कुछ मिलने लग जाएगा कि भाई एक्चुअल में यही होता है क्या। देन उसके बाद एक गेमर्स या फिर कोई भी इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर, कोई भी ऐसा है जिसकी लाइफ दिखाई जा रही है भाई, उसकी पर्सनल लाइफ को जबरदस्त तरीके से टारगेट कराया गया है। तो यार, ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक कॉन्टेंट बनाया गया है जो बेतुका था बिल्कुल, क्या ही समझ में आ रहा था। मतलब चल रही थी चीज़ें और हम बैठ के बस देख रहे थे, आंखों से ना खून निकलने वाला था, लिटरली आंखों से खून निकलने वाला था, कान के पर्दे फटने वाले थे क्योंकि कुछ समझ में आ नहीं रहा था। स्टोरी के नाम पर कुछ ऐसा भी मिले ना कि भाई प्लॉट बाय प्लॉट चल रहे हैं। हाँ, एक चीज जबरदस्त मिल रही थी लेकिन उस थर्कनेस के लिए भाई इतनी दूर कौन जाए और उसके लिए इतना महंगा पैसा कौन खर्च करे। ठीक है, इंसान के अंदर एक वो होता है यार, हर किसी इंसान के अंदर, लेकिन भाई वो चीज हम कहीं से भी तो पूरा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सी ऐसी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पड़ी हैं, आप इनकॉग्निटो मोड चलाओ और उससे बेहतर मिलके आएगा आपको यहाँ पर। लेकिन इस चीज को इतनी बेहतरीन तरीके से, और भाई मूवी का नाम लव सेक्स और धोखा है, जो सिर्फ सिर्फ ऑडियंस के साथ धोखा कर रही है। भैंचोर! क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। बाय गॉड, धोखा कर रही है। इस अगर मैं आपको यहाँ पर फील कराना चाहूँ ना कि मैं क्या फील कर गया हूँ, कभी आपने क्या सभी ने ही स्कूल टाइम पर एथलेटिक्स या फिर ऐसे कोई इवेंट पर पार्टिसिपेट करा होगा जहां पर 100 या 200 या 300 मीटर की रेस हुआ करती थी, तो आप ऐसा कोई डेडिकेशन नहीं होता था, बस देखा सेखी और आप लग जाते थे लाइन पे, और जब स्टार्ट होता था, जब आपकी एनर्जी डाउन होने लग जाती थी और यहाँ पर समझ में नहीं आता था कि भाई मैं जाऊं या नहीं जाऊं, यानी ये रेस छोड़ू या नहीं छोड़ू, तो एक आध लोग जब बैठने लग जाते थे उस रेस में, मतलब अपना दम तोड़ने लग जाते थे, तो बाकी सभी भी दम तोड़ने लग जाते थे। सेम भाई यही हुआ है थिएटर हाउस में, पहले तो कोई था भी नहीं और जो गिने चुने 8-10 लोग आए थे, स्टार्टिंग से ही 10-20 मिनट बाद एक एक करके सब जाने लग गए, और भाई उनके पास रीजन था जाने के लिए लेकिन अपने पास नहीं था, क्योंकि हमको पूरा देखना है और यहाँ आके इसको बकना भी तो है। लिटरली मैं वो फील कर रहा था कि भाई इन सब की तरह काश मैं भी उठ के जा पाता, लेकिन क्या करें, अपना काम ही यही है, चाहे वाहियात हो चाहे ब्लॉकबस्टर हो, देखना तो है ही। और उसके बाद यहाँ पर आके आप लोगों का थोड़ा सा समय बचा लेंगे, थोड़ा सा पैसा बचा लेंगे, शायद कुछ पुण्य मिल जाए इस बहाने हमें। लेकिन भाई लिटरली मैं मना करूँगा कि मत ही जाना देखने के लिए, इससे ज़्यादा मैं इसको क्या रिवील आउट करूँ। ट्रेलर देख लेना, नहीं देखा है तो ट्रेलर से ही आपको इसकी वाहियात चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आखिर इसमें मिलने क्या वाला है। सेम है बिल्कुल, पूरा रिवील आउट कर रखा है कि जो एज इस ट्रेलर में है वही है, वहाँ जा ऐसा कुछ सस्पेंशनल या फिर बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास वो क्लियर विजन है ना कि भाई ये चीज़ ना मेरे लिए गलत है, तो अपन ना इसको यहीं रोक देगा। अगर ये वाला विजन है तो भाई आप बिल्कुल ट्रेलर देख के समझ जाओगे। बाकी यहाँ पर अगर अभी भी देख के कुछ लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो भाई जाओ देखो, जो चाहे आंखों से खून निकलवाओ, कुछ करवाओ, अपने हो गया, अपने को कंटेंट चाहिए था। और मूवी ने जो लगातार 2 घंटे तक हम मतलब मेरी घोड़ी बना के ली है भाई, 0 में से -5 स्टार देना चाहूँगा। माइनस की जितनी बड़ी डिजिट हो सकती है ना वो एज्यूम कर लेना, और इसको वो स्टार देना चाहूँगा मैं।
फिलहाल यहीं तक भाई, और कुछ भी क्या ही बताऊं मैं इसमें आपको, क्या बता दूं, और कुछ है ही नहीं बताने लायक, लिटरली कुछ नहीं है बताने लायक। बस इतना ही कह सकता हूं कि भाई अपना समय जो है अच्छी जगह पे लगाओ, ऐसी चीज़ों को देखने पे मत लगाओ। हाँ, पर मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई साहब ट्रॉल करना है ना तो अब इस मूवी को ट्रॉल करो, इस मूवी के सामने निगेटिव, मतलब इस मूवी के लिए निगेटिविटी जितनी फैला सकते हो फैलाओ, क्योंकि ऐसी मूवीज़ की निगेटिविटी तुम लोग फैला देते हो जिनको बाई गॉड वो डिजर्व नहीं करती है। लाइक एनिमल मूवी जब आई थी, एनिमल को ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज करा जा रहा था एक दो चीज़ों के लिए, भाई वो दिखाता है एक इवोल्यूटेड इंडियन सिनेमा कि कैसे भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक अभी हम आए हैं और किस चीज़ को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आध चीज़ें तो सभी में होती ही होती हैं, तो उसकी बेस पर भाई ये सारी चीज़ें भाई बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने बोला कि ऐसी मूवी बनानी ही नहीं चाहिए, बैन कर देनी चाहिए। भाई ये मूवी बैन करनी चाहिए, इस मूवी के लिए तुम लगाओ ट्रॉलिंग, इस मूवी के लिए कैंपेन चलाओ कि भाई ऐसी मूवी आगे जाकर ना ही मिले, क्योंकि पॉर्नोग्राफी अगर तुम्हें दिखानी ही है तो इसके लिए सीधे वहीं पर निकालो ना जहाँ पर सो कॉल्ड वेबसाइट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर। और खासकर ऐसी ही सेम टाइप की मूवीज़ निकालनी है तो सब भाई मेकर से ना एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग इतने भी ठरकी नहीं है कि आप कुछ भी ऐसे ज़बरदस्ती का दिखाओ और उस पर एक आध क्या काफ़ी कुछ सेक्स सीन से उस चीज़ के वजह से लोग अपना समय बर्बाद करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो लोग इतने भी ठरकी नहीं है। बाकी भाई जो करते हो करो, ट्रॉल करना है ट्रॉल करो, मूवी देखने मूवी देखो, लेकिन जिसको ट्रॉल करना है उसे ट्रॉल करो यार, ऐसे ही किसी के बेस पे किसी अच्छी चीज़ों को ट्रॉल ना करो। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय हिंद।